सो गाइस आज के इस वाला वीडियो का अंदर मैं आप लोगों को फोटो को फेस के स्मूथ करना एंड फेस को व्हाइट करना एंड फोटो के अंदर ऑयल पेंट डालना एंड बैकग्राउंड कलर को चेंज करना सारी स्टेप आज हम लोग पिक्सार ऐप के अंदर आप लोगों को सिखाने वाला हूँ। तो वाला वीडियो को शुरू से लास्ट तक देखना ओके। सो वाला वीडियो बहुत ही बढ़िया बनने वाला है, सो वीडियो को अभी से ही लाइक कर देना। चैनल पर अगर आप लोग नहीं हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ऐसे ही बहुत सारा वीडियो देखने के लिए। एंड मुझे इंस्टा पर भी जाकर फॉलो कर लेना, इंस्टाग्राम का लिंक आप लोगों को नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा ओके। सो चलिए वीडियो के ऐप पे स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले आप लोगों को फोटो को ओपन कर लेना पिक्सार ऐप के अंदर ओके। एंड पिक्सार ऐप के अंदर फोटो को ओपन करने के बाद सबसे पहले ये वाला फोटो का आप लोगों को बैकग्राउंड चेंज करना सिखाना वाला हूँ। तो बैकग्राउंड कलर को चेंज करने के लिए आप लोगों को जाना है इफेक्ट टूल के अंदर। इसके अंदर क्लिक करने के बाद ऐप आप लोग को मिल जाएगा कलर्स टूल, इसके ऊपर आप लोग टैप कर लेना। ऐप आप लोग को मिल जाएगा कलर जी, इसके ऊपर आप लोग टैप कर लेना डबल टैप ओके। इसका ह्यू को आप लोग इधर उधर करके देख लेना कौन सा आप लोग रखने वालों। तो मुझे ये वाला कलर टोन अच्छा लगा तो मैं ये वाला ही रखूंगा ओके। अब मैं आप इरेजर टूल के अंदर क्लिक कर लेता हूँ एंड इरेजर को सिलेक्ट करके इसका हार्डनेस वगैरह को सही करके कुछ इस टाइप से वाला इफेक्ट को मॉडल से रिमूव कर लूँगा ओके। सो आप लोग को भी इसी टाइप से मॉडल से रिमूव कर लेना ओके। तो मैं आप फटाफट मॉडल से रिमूव कर लेता हूँ ये वाला इफेक्ट को जल्दी से ओके। ओके कुछ इस तरीके से आप लोग ये वाला इफेक्ट को रिमूव कर लेना मॉडल से ओके। अब आप लोग राइट पे क्लिक कर लेने ठीक है। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा पिक्सार ऐप के अंदर आप लोग फेस को कैसे स्मूथ कर पाओगे एंड फेस को कैसे व्हाइट कर पाओगे ठीक है, वो भी एक ही टूल के अंदर। तो उसके लिए आप लोगों को जाना है रिटच टूल के अंदर ओके। रिटच टूल के अंदर आने के बाद सबसे पहले आप लोगों को जाना है स्किन टोन के अंदर। इसके अंदर आप लोगों को सबसे पहले फेस को व्हाइट कर लेना ठीक है। तो ये वाला कलर को आप लोगों को सबसे पहले सिलेक्ट कर लेना एंड ऑटो को सिलेक्ट कर लेना एंड आप लोगों का फोटो का फेस ऑटोमेटिकली व्हाइट हो जाएगा ठीक है। इसके अमाउंट को आप लोग कम ज़्यादा भी कर सकते हो, यानी कि अगर आप लोग इतना रखोगे तो आप लोग इतना भी रख सकते हो ठीक है। तो मुझे इतना ही सही लगा तो मैं आप यहीं पर डन कर लिया। अब मैं आप लोगों को बताऊँगा आप लोग फेस को कैसे स्मूथ कर पाओगे ठीक है। फेस को स्मूथ करने के लिए आप लोग यहाँ पर मिल जाएगा स्मूथ टूल, इसको आप लोग टैप कर लेने। टैप करने के बाद आप लोगों का फोटो का फेस ऑटोमेटिकली स्मूथ हो जाएगा। लेकिन ये वाला टूल को आप लोगों को ऑन करने के लिए आप लोगों को फोन का डेटा को ऑन कर लेना ठीक है, नहीं तो ये वाला टूल काम नहीं करेगा ठीक है। तो फोन का डेटा को ऑन करने के बाद ये वाला टूल को ओपन कर लेना आप लोग ओके। एंड यहाँ पे देख सकते हो ऑटोमेटिकली यहाँ पे स्मूथ हो चुका है, लेकिन उतना खास नहीं हुआ है ठीक है। तो आप लोग को मैनुअली कर लेना है, तो यहाँ पे मिल जाएगा आप लोग को मैनुअल टूल, इसके ऊपर आप लोग टैप कर लेना है एंड एक ही जगह पे आप लोगों को बार बार ब्रश करते जाना ठीक है। एंड कुछ इस टाइप से आप लोगों को फोटो का फेस स्मूथ हो जाएगा, मैं जितना बार ब्रश करूंगा उतने ही हिसाब से फोटो का फेस स्मूथ होगा ओके। सो इस तरीके से आप लोग फोटो का फेस को स्मूथ कर सकते हो। तो मैं पे पूरा ही फेस को स्मूथ कर लेता हूँ एक ही जगह पे बार बार ब्रश करके ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं इसका फेस भी स्मूथ हो चुका है ओके। सो इस तरीके से आप लोग फेस को स्मूथ कर लेना है। यहाँ पे देख सकते हैं कितना परफेक्ट तरीके से यहाँ पे फेस स्मूथ हो चुका है पिक्सार ऐप के अंदर। अब आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना ठीक है फेस स्मूथ करने के बाद। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा इसका शर्ट का कलर को कैसे चेंज कर पाओगे, वो भी प्रोफेशनल तरीके से। तो उसके लिए आप लोगों को जाना है ड्रॉ टूल के अंदर ओके। ड्रॉ टूल के अंदर आने के बाद आप लोगों को लेयर टूल के अंदर क्लिक कर लेना है सबसे पहले। एना पे जाना है इसका ब्लेंड टूल के अंदर ओके। ब्लेंड टूल के अंदर जाने के बाद आप लोग कर लेना ओवरले। ऐप आप लोगों को नीचे ही मिल जाएगा ओवरले, इसको आप लोगों को सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद आप लोगों को लेयर को रिमूव करना है ओके। अब आप लोगों को कलर टूल के अंदर जाना है एंड किसी भी कलर को ले लेना है जो कलर आप लोग करने वाले हो शर्ट के अंदर ठीक है। तो मैं यहाँ पे रेड कलर को ही ले लिया एंड कुछ इस तरीके से आप लोगों को ब्रश कर लेना है ओके। तो मैं यहाँ पे ब्रश का थोड़ा सा साइज को बढ़ा लेता हूँ एंड कुछ इस टाइप से ब्रश कर लेता हूँ पूरा शर्ट के अंदर ओके। तो मैं यहाँ पे फटाफट कर लेता हूँ ठीक है। ओके सो इस तरीके से आप लोग कलर वगैरह ऐड कर लेना, यानी कि सेट के अंदर कलर कर लेना है। यहाँ पे देख सकते कितना प्रोफेशनल तरीके से यहाँ पे कलर हो चुका है ओके। अब आप लोगों को सिर्फ एक ही काम करना है, यानी कि इसका हेयर के ऊपर ऑयल पेंट डाल लेना है। तो ऑयल पेंट डालने के लिए आप लोगों को राइट पे क्लिक कर लेना सबसे पहले ओके। एंड जाना है आप लोग को इफेक्ट टूल के अंदर। इफेक्ट टूल के अंदर आने के बाद आप लोग को यहाँ पे मिल जाएगा अटेस्टिक टूल, इसके ऊपर आप लोग क्लिक कर लेना है ओके। ऐप आप लोग को मिल जाएगा ऑयल पेंट, इसके ऊपर आप लोग डबल टैप करना है। डबल टैप करने के बाद इसका अमाउंट को आप लोग इतना ही रख लेना, यानी कि आप लोग फोटो के हिसाब से देख लेना कौन सा अच्छा लगता है। तो मैं इतना ही रखूंगा ओके। तो मैं यहाँ पे इतना ही रख लेता हूँ एंड इरेजर टूल के अंदर क्लिक करके मैं यहाँ पे कर लूँगा इन्वर्ट।
ब्रश को सिलेक्ट करके कुछ इस तरीके से सिर्फ हेयर के ऊपर ब्रश कर लेना है। ओके, एंड आप देख सकते हेयर के ऊपर ऑयल पेंट भी आ चुका है। और आप लोग शर्ट के अंदर भी करना चाहते हो तो शर्ट के अंदर भी ब्रश कर सकते हो, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर लिया। ओके, एंड यहाँ पे देख सकते हैं फोटो का फेस भी स्मूथ हो चुका है, एंड इसका हेयर के ऊपर ऑयल पेंट भी आ चुका है, एंड इसका शर्ट का कलर भी चेंज हो चुका है, बैकग्राउंड कलर भी चेंज हो चुका है। ओके, सो इस तरीके से फोटो वगैरह को एडिटिंग कर पाओगे आप लोग नेक्स्ट लेवल तक। एंड यहाँ पे हमारा फोटो एडिटिंग हो चुका है कम्प्लीट। फोटो को सेव करने के लिए सिर्फ आप लोग को इस वाला टूल के अंदर क्लिक कर लेना है, एंड आप लोग को फोटो गैलरी के अंदर सेव हो जाएगा। ओके, सो गाइस ये वाला वीडियो आप लोग कैसे लगा कमेंट करके जरूर बता देना। एंड आज का वीडियो इतना ही था, मिलता हूँ नेक्स्ट किसी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।